शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। वेलकम बैक टू अवर YouTube चैनल SSB टू सक्सेस। दोस्तों, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान न्योछावर करने वाला हर एक सैनिक वीर होता है। उनकी वीरता का अनुमान हम किसी भी पुरस्कार से नहीं लगा सकते। पुरस्कार तो केवल एक जरिया है उन्हें सम्मानित करने का। शहादत हमेशा जिंदा रहती है, शहीद होने वाले वीर अमर हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको सर्वोच्च सेना अवार्ड परमवीर चक्र के बारे में पूरी जानकारी देंगे और उसके साथ ही कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे परमवीर चक्र के बारे में जिसको जानना हर एक हिंदुस्तानी के लिए बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, भारत माँ के जयकारे के साथ वीडियो शुरू करते हैं। परमवीर चक्र सैन्य सेवा तथा उससे जुड़े लोगों को दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान है। यह पदक शत्रु के सामने अद्वितीय साहस तथा परम शूरता का परिचय देने वाले वीरों को दिया जाता है। परमवीर चक्र का लिटरल मीनिंग होता है व्हील ऑफ द अल्टीमेट ब्रेव, मीन्स वीरता का चक्र। बेसिकली वॉर टाइम के समय यह पदक दिया जाता है। यह शब्द संस्कृत के तीन शब्द परम, वीर व चक्र से मिलकर बना है। 26 जनवरी 1950 को परमवीर चक्र देना शुरू किया गया था तथा इसे मरणोपरांत भी दिया जाता है। इस पुरस्कार को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न के बाद सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार समझा जाता है। भारतीय सेना के हर एक सोल्जर इस पुरस्कार के पात्र होते हैं। US के मेडल ऑफ ऑनर, जर्मनी के क्रॉस ऑफ ऑनर, यूनाइटेड किंगडम के विक्टोरिया क्रॉस के बराबर परमवीर चक्र को माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब भारतीय सेना ब्रिटिश सेना के तहत कार्य करती थी तो सेना का सर्वोच्च सम्मान विक्टोरिया क्रॉस हुआ करता था। परमवीर चक्र का डिज़ाइन बहुत ही यूनिक है। इसकी शेप सर्कुलर है तथा ये एक ब्रॉन्ज डिस्क है। इसका डायमीटर 34.9 mm का है। इसके फ्रंट साइड में सेंटर में हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र अंकित है। इसके चारों तरफ किंग ऑफ द गोड इंद्र के अस्त्र वज्र अंकित है। वज्र को इस चक्र पर लगाने का मेन रीज़न यह है कि वज्र एक पौराणिक हथियार है जो बलिदान का प्रतीक है, क्योंकि इसे बनाने के लिए ऋषि दधीच ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। आपको बता दें कि वज्र ऋषि दधीच की हड्डियों से बना है। परमवीर चक्र के बैक साइड में हिंदी व इंग्लिश दोनों भाषा में परमवीर चक्र लिखा हुआ है, जिसे सेपरेट किया गया है हमारे राष्ट्रीय फूल कमल से। परमवीर चक्र को होल्ड करने के लिए पर्पल कलर के रिबन का इस्तेमाल किया जाता है। इस रिबन की लेंथ 32 mm होती है। परमवीर चक्र को विदेशी मूल की एक महिला सावित्री खालनोकर उर्फ सावित्री बाई ने डिज़ाइन किया था। 1950 से लेकर अब तक इसके आरंभिक स्वरूप में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। अब तक कुल 21 परमवीर चक्र दिए जा चुके हैं, जिसमें से 14 मरणोपरांत दिए गए हैं। मिलिट्री में केवल 3 ही नायक ऐसे हैं जिन्हें ये सम्मान जीवित रहते हुए मिला है, जिनमें सूबेदार मेजर एंड ऑर्डनरी कैप्टन बना सिंह, सूबेदार संजय कुमार और सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव शामिल हैं। भारतीय सेना की 4th बटालियन की डेल्टा कंपनी के कंपनी कमांडर मेजर सोमनाथ शर्मा पहले जाबाज थे जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उन्होंने 1947 के भारत पाक युद्ध में घायल होने के बावजूद शत्रुओं के छक्के छुड़ा दिए। मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में उनका वीडियो देख सकते हैं। परमवीर चक्र हासिल करने वाले 21वें रिसिप्टेंट हैं कैप्टन विक्रम बत्रा। कारगिल युद्ध में उनके अदम्य साहस और पराक्रम के लिए उन्हें मरणोपरांत 1999 में परमवीर चक्र से नवाजा गया। यदि कोई परमवीर चक्र विजेता दोबारा शौर्यता का परिचय देता है और उसे परमवीर चक्र के लिए चुना जाता है तो इस कंडीशन में उसका पहला चक्र निरस्त करके उसे रीबैंड किया जाता है। इसके बाद हर बहादुरी पर उसके रीबैंड
बार की संख्या बढ़ाई जाती है। यह प्रक्रिया मरणोपरांत भी की जाती है। प्रत्येक रीबैंड बार पर इंद्र के वज्र की इमेज बनी होती है तथा इसे रीबैंड के साथ ही लगाया जाता है। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले 21 योद्धाओं में से 20 इंडियन आर्मी से हैं तथा एक इंडियन एयरफोर्स से है। इंडियन नेवी के किसी भी जाबाज को अब तक ये सम्मान नहीं मिला है। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह शिकोन इंडियन एयरफोर्स के परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले एकमात्र जाबाज हैं। रेयर ऑनर परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले वीर जाबाजों के नाम हैं कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर सोमनाथ शर्मा, राजपूत रेजिमेंट के नायक जादूनाथ सिंह, बॉम्बे शेपर्ड्स के सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे, राजपूताना राइफल्स के कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, सिख रेजिमेंट के लांस नायक करम सिंह, गोरखा राइफल्स के कैप्टन गुरबचन सिंह, गोरखा राइफल्स के मेजर धन सिंह थापा, सिख रेजिमेंट के सूबेदार जोगेंद्र सिंह, कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर शैतान सिंह, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हामिद, पूना होर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल आर्देशिर तानापुर, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लेंस नायक अल्बर्ट एक्का, एयरफोर्स के स्क्वाड्रन नंबर 18 के फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह शिकोन, पूना हॉर्स के सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल। आपको बता दें कि अरुण क्षेत्रपाल सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र जीतने वाले जाबाज हैं। मेजर होशियार सिंह दहिया जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, नायब सूबेदार बना सिंह, माहर रेजिमेंट मेजर रामास्वामी परमेश्वरन, 11 गोरखा राइफल्स लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, योगेंद्र सिंह यादव जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स राइफलमैन संजय कुमार तथा जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा। परमवीर चक्र के साथ कुछ कैश अलाउंस भी दिए जाते हैं। अगर ये सम्मान मरणोपरांत किसी मैरिड पर्सनल को दिया जाता है तो उसकी पेंशन उसकी वाइफ को ट्रांसफ़र हो जाती है तथा जब तक उसकी डेथ होती है या फिर वह दूसरी शादी नहीं करती। अनमैरिड पर्सनल के केस में यह अलाउंस शहीद के माता पिता को दिया जाता है। तो ये थी कुछ रोचक जानकारी सर्वोच्च सेना सम्मान परमवीर चक्र के बारे में। देश के लिए जान देने वाले बहादुर वीर हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। उनकी बहादुरी को हमारा शत शत नमन। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं दोस्तों। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपके इंटरेस्ट के बेस पे बना सकें। सो वेट फॉर अवर अपकमिंग वीडियो। टिल देन जय हिंद जय भारत।